आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट। आज जो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे साथ किया वो किसी कार्यकर्ता के साथ ना करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अपडेट और मैं हूं आपके साथ शिवानी मोरपाल। भाजपा ने अपने 3 निगम पार्षद को निष्कासित कर दिया गया है। जी हां, 6 साल के लिए उनको पार्टी से निकाल दिया गया है और जो आरोप लगे हैं उन पे भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। मेरे साथ रजनी बबलू जी मौजूद है जिनपे भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। कल हमने आपको पूजा जो मुखर्जी नगर से निगम पार्षद है उनका इंटरव्यू दिखाया। उनका ये कहना था कि जिला अध्यक्ष की वजह से उनको निकाला गया है और मेरे साथ अभी मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि क्या कारण था, क्या ये भी पार्टी ज्वाइन करेगी आम आदमी पार्टी की। मैडम पहले बताइए कि क्या कारण के उससे निकाला गया है और क्या जितने निगम पार्षद जो निकाले गए हैं उन्होंने आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या आपका भी ऐसा कुछ विचार है? देखिए, यही डाउट था कि शायद हम भी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं, तो हम जब तक मेरी सांसें रहेंगी तब तक हम भाजपा के साथ हैं, क्योंकि हमारे माता पिता के संस्कार यही थे। हम जन्म से हमने देखा है कि कमल का बटन दबाए, कमल का बटन, तो हमारे माता पिता के संस्कार यही थे कि हम भाजपा के साथ हैं। और मैंने भी यही कहा है जब तक मेरी सांसें रहेंगी हम अपनी पार्टी के साथ हैं, चाहे वो अच्छा ले निर्णय या गलत ले। आज हमें, मुझे 30 साल की उम्र में भाजपा ने पार्षद बनाया, तो ये भाजपा का ही सम्मान था, इतना मुझे सम्मान दिया और यहाँ तक मुझे पहुँचाया। कई जो भी निकले हैं भाजपा से उन सभी ने भाजपा पे आरोप लगाए हैं कि हम पार्टी चेंज कर दे इसलिए उनको पता चल गया तो पहले उन्होंने निकाल दिया है, ऐसा भी कुछ सुनने में आ रहा है आपके बारे में? देखिए, ये थोड़ा सा पार्टी को थोड़ा डाउट था कि जो उन्होंने तो जाना ही था, उनका तय था कि उनने पार्टी ज्वाइन करनी है, पर हमारा ऐसा कोई मनसा नहीं थी। हमने अभी भी हम यही कह रहे और हम पहले भी यही कह रहे थे कि हम पार्टी नहीं छोड़ेंगे, और उनका जाना तय था क्योंकि उन्होंने रात शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और सुबह जो है लेटर निकल गया था। पार्टी लेटर की बात करें तो लेटर आपको भी मिला होगा, क्या कारण दिखाया गया है उसमें कि किस तरह से भ्रष्टाचार के तो आरोप लगे हैं? बिल्कुल हाँ, बट क्या कारण के साथ निकाला गया है? कुछ कारण आपको दिए गए होंगे, आपने भी बात करी होगी संगठन में। यही वैसे हमें पार्टी ने ये नहीं बताया था, ना कोई हमें नोटिस दिया, ना किसी चीज़ का हमें आके समझाया कि आपके खिलाफ ये भ्रष्टाचार है। अगर पार्टी को कोई हमारे खिलाफ आरोप मिलता है तो मैंने यही कहा है कि मैं अपने पार्षद से भी रिज़ाइन दे दूँगी। मैंने अपनी पार्टी से यही कहा है और अभी वो हमें नोटिस कुछ आया नहीं है। अगर कारण बताओ नोटिस आता है तो फिर मैं उनसे पूछूंगी कि किस कारण से हमें निकाला है या क्या आरोप है, वो हमें बताया जाए। भ्रष्टाचार के आरोप लगाया है, पर जब आपके क्षेत्र की जनता से पूछा गया तो काफ़ी बताया है कि अच्छा काम हो रहा है, तो क्या लगता है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग इस तरह से हुई है? देखिए, मैं अपने मोदी जी पार्टी से निकाला है, हमारे दिल से कोई मोदी जी को नहीं निकाल सकता, क्योंकि मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो हमारे देश के लिए ही काम कर रहे हैं और निस्वार्थ काम कर रहे हैं। पीछे उनको इतना सब लोग बोलते हैं फिर भी वो अपने काम से मतलब रखते हैं, तो हम भी उन्हीं की शिक्षा कदम पे हैं, उन्हीं के नेतृत्व पे हैं कि हम अपना कार्य करते रहें, क्योंकि मेरा काम बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई से लेके लाइट से लेके आप किसी से भी, आप जनता के बीच में जाके पूछ सकते हैं कि रजनी पांडे के वार्ड में साफ़ सफाई बहुत अच्छी है। तो मैं भी अपना कार्य करूंगी, जो मैं अपने कार्य करती आई हूं उसमें मैं पीछे नहीं हटूंगी। और बाकी पार्टी का निर्णय है, ये मैं एक बात ज़रूर कहूंगी आपके माध्यम से कि आज जो शीर्ष नेतृत्व ने मेरे साथ किया वो किसी कार्यकर्ता के साथ ना करें, क्योंकि बनी बनाई जो अपना सम्मान होता है, बनी बनाई इज्जत जो है काफ़ी वो हो जाता है, आदमी को अपना कैरियर बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो एक बार अगर किसी भी कार्यकर्ता को आके समझा दें या कुछ भी है, उनको एक बार अगवा करना चाहिए था, एकदम से पार्टी निर्णय ले, ये थोड़ा सा हमें भी बहुत चुभा, क्योंकि दर्द भी हुआ और बहुत ज़्यादा महसूस भी हुआ। तो मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से यही अनुरोध करती हूँ कि आप जो मेरे साथ किया ये ऐसा किसी के साथ ना करें। कितना साल आपने इस पार्टी को दिया है? देखिए, मतलब हम जन्म से ही, जब हम पैदा हुए उसके बाद से ही हमें ये नहीं पता था भाजपा, तो अब पता चला है जब भाजपा में आए हैं। उससे पहले माता पिता जब वोट दे के आते थे तो हम छोटे छोटे पूछते थे कि किसको कहाँ किसको वोट दिया, हमें ये भी नहीं पता था।
तो पापा मम्मी बताते थे कि कमल का बटन दबाया, तब कमल ही सबको पता था कि कमल का फूल का बटन दबाना है। तो हमारा मतलब शुरू से बचपन से ही हम कमल ही सुनते आए हैं, तो हम किसी और पार्टी को तो जानते नहीं, चाहे वो आम आदमी हो चाहे वो कांग्रेस हो कोई भी पार्टी हो, हम तो शुरू से कमल को ही जानते कि कमल हमारी माता है। कितना मुश्किल हो जाएगा समझाना संगठन को प्रदेश में, हम मतलब कि आप जैसे कहना कि आम आदमी पार्टी ज्वाइन नहीं करेंगे, पर उनको समझाना कितना मुश्किल है आपको? देखो मैं अपना कार्य करूंगी और मेरे मन से कोई मोदी जी को नहीं हटा सकता, क्योंकि मोदी जी जैसा काम कर रहे हैं, और जो मेरा काम है मैं अपना कार्य करूंगी उसमें मैं खरी उतरूंगी। ठीक है, आपने पार्टी से अगर निकाला है तो ठीक है, मेरे कुछ अच्छे गुण भी होंगे कि पार्टी मुझे ले भी लेगी, और ये शीर्ष नेतृत्व तो तय करेगा कि अच्छा बुरा, क्या पता इसमें भी कुछ भलाई हो, पार्टी ने मेरे लिए कुछ भलाई सोचा हो, क्योंकि हर काम का कुछ अच्छा ही निर्णय होता है, तो इसमें पार्टी की भी कुछ अच्छाई होगी, मैं तो यही कहूँगी। बाकी पार्टी तय करेगी जो भी हमारा पार्टी के निर्णय से मतलब आप संतुष्ट? बिल्कुल, पार्टी ने चाहे अच्छा, आज मैंने को यहाँ तक पहुँचाया तो मैं पार्टी की बदौलत ही हूँ, तो पार्टी ही शीर्ष नेतृत्व है, पार्टी ने अगर ये डिसीजन लिया तो वो भी मेरे लिए ठीक है, कुछ अच्छा ही सोचा होगा। ऐसा नहीं है कि पार्टी किसी के लिए बुरा सोचती है, पार्टी सर्वोपरि है, माता है, हमारे गुरु है, तो कुछ अच्छा ही सोचा होगा इसमें भी। आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पे आरोप लगाती रहती है, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, अब वही जो भ्रष्टाचार पे आरोप लगाती है वही निगम पाशा आम आदमी पार्टी में जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये आम आदमी पार्टी के तो आरोप चलते रहते हैं, क्योंकि इनके ही लोग, मेरे इतना वार्ड में काम हो रहा है, वो मेरे पे भी इतना आरोप लगाते हैं, हाउस में भी इतनी बातें उठाते हैं। आज उन्होंने ही मतलब हमारे पार्टी के लोगों को जोड़ा है, और कई पार्षद वहाँ से भी गए हैं, दो तीन अनारकली वार्ड से। तो इसमें अगर आम आदमी पार्टी हम पे आरोप लगाती है तो वो भी ऐसे लेती है, और उन्हीं के पार्षद आरोप लगाते हैं। ये भी हमारे निगम पार्षद रजनी बबलू, जिन्होंने बताया है कि मैं पार्टी ज्वाइन नहीं करूंगी आम आदमी पार्टी, चाहे भाजपा हमें ले ना ले। जी आपको बता दूं कि इन सभी का ये कहना है कि भाजपा हमारे दिल में है, और कभी भी चाहे पार्टी हमें निकाल दे, क्योंकि पार्टी हमारे लिए निर्णय रहती है, और हमें पार्टी का जितना जो भी निर्णय है हम उसके साथ है। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं शिवानी मोरवाल, दिल्ली अप टू डेट। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली अप टू डेट।